वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, वो भी लूप से रिलेटेड है। और इस प्रोग्राम में हम 5 नंबर्स को एंटर करेंगे और जो प्रोग्राम पूछेगा यूज़र से, जो भी यूज़र इस प्रोग्राम को रन करेगा तो प्रोग्राम उससे पूछेगा एक एक नंबर, और उसके पूछने के बाद जो भी उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर है वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इवेंट्स में जाके व्हेन क्लिक्ड, आपको पता है कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। व्हेन क्लिक्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। और उसके बाद अब मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लुक्स में जाता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। और से के बाद हेलो की जगह मैं टाइप करूंगा एंटर 5 नंबर्स टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग देम। ओके, अब मुझे वेरिएबल्स चाहिए, 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए मैं वेरिएबल्स पे जाता हूँ, आपको पता है वेरिएबल्स क्या है, कौन सा ब्लॉक है वेरिएबल का। और यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा, एक मैं ले लेता हूँ जी फॉर ग्रेटर नंबर, और एक ले लेता हूँ मैं N1। ये हर नंबर को जो एंटर करेंगे उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो उसका नाम मैंने ले लिया N1। तो अब मैं यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल्स हैं G और N, इसको मैं 3 या 4 टाइम्स ड्रैग कर देता हूँ, बिकॉज मुझे बार बार चाहिए होंगे। एक ये जो सेट करने के लिए होता है, इसको भी मैं 2 टाइम्स कर लेता हूँ। ओके, और अब मुझे ये सेट के लिए तो अभी स्टार्टिंग में चाहिए एक, मुझे जी जो है ग्रेटर नंबर के लिए इसको 0 दे देना है। अब मैं इसके बाद कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ पर जो रिपीट की कमांड है, रिपीट का ब्लॉक है, इसको ले लेता हूँ, रिपीट वाले को। तो मैं रिपीट को यहाँ लगा देता हूँ। अब मैंने प्रोग्राम बनाया है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 5 एंटर्ड नंबर, जो मैं 5 नंबर अंदर डालूंगा उसमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो मुझे प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो 10 लिखा है यहाँ पर, 10 की जगह मैं 5 टाइप करूँगा। और अब मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ 5 नंबर्स, तो उसके लिए मैं सेंस ब्लॉक का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है आस्क व्हाट्स योर नेम, इसको मैं यहाँ से ये ब्लॉक को यहाँ ड्रैग करके डाल देता हूँ, और आंसर को भी ये यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। अब इसके बाद आस्क यहाँ लिख देता हूँ मैं एंटर योर नंबर, ये कुछ इस टाइप से बन गया एंटर योर नंबर। अब मुझे जो नंबर एंटर करवाना है उसको सेंस भी करना है, तो उसके लिए मैंने आंसर ऑलरेडी दिया, और वो जो नंबर है जो आएगा उसको भी किसी वेरिएबल में देना है। तो ये जो सेट की कमांड थी यहाँ लगा देता हूँ मैं सेट, और यहाँ पर जो जी लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो जी लिखा हुआ है इसकी जगह मैं कर देता हूँ N1, सेट N12। अब सेट N12 यहाँ पर मैं आंसर कर देता हूँ, तो ये ऐसे बन गया कि जो भी यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा वो आंसर के अंदर आ जाए, और आंसर के थ्रू हमारा जो N1 है उसके अंदर चला जाए, ये वेरिएबल है N1 इसके अंदर चला जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हमने पूछना भी है कि ये जो नंबर एंटर है, अब जी है मेरा, जी वेरिएबल है, ये 0 है इसके अंदर, तो मुझे पूछना है कि N1 में जो एंटर नंबर है क्या वो जी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो जी के अंदर हम उसको N1 की वैल्यू दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का लूप चलाएंगे।
इसके लूप के लिए मैं कंट्रोल में जाता हूं और यहां पर इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं, और ड्रैग करने के बाद मैं जाता हूं ऑपरेटर्स पे। अब यहां पर ग्रेटर का ऑपरेटर है, देखो यहां पर ग्रेटर का ऑपरेटर है, मैं इसको यूज करूंगा, इसको ड्रैग कर लेता हूं और यहां डाल देता हूं। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया। मैं बाहर ये भी लगाया, मैंने अंदर नहीं, ये लूप के अंदर ही जाएगा, रिपीट के अंदर। और यहां पर मेरा जो n1 है, मैं n1 लगाता हूं यहां पर, अगर n1 ग्रेटर देन किससे, मेरा n1 ग्रेटर है g से। अब g, मुझे g यहां लगाना है। अब g के अंदर तो जीरो है अभी, तो अगर n1 ग्रेटर देन जीरो है तो मैं क्या चाहता हूं कि g के अंदर n1 की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेट की कमांड मुझे और चाहिए, मैं वेरिएबल्स में जाता हूं, ये सेट की कमांड मैं ले आता हूं यहां पर, बीच में लगा देता हूं। अब यहां पर सेट g2, अब g के अंदर मुझे क्या चाहिए, n1, तो n1 यहां मैं ड्रैग कर देता हूं। तो n1 में यूजर अगर वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी आएगा फर्स्ट टाइम, तो वो तो ज़्यादा बड़ा ही होने वाला है ना जी से, तो जी के अंदर वैल्यू एन वन की आ जाएगी। अब मैं इसको, इस लूप को इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो ये टोटल क्या बन गया, देखो इस टाइप से बन गया, एंटर योर नंबर एंड वेट, सेट एन वन टू आंसर, एन वन के अंदर जो आंसर के थ्रू वैल्यू थी वो एन वन वेरिएबल में चलेगी। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, इफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एन वन जो है क्या वो जी से बड़ी है, अगर बड़ी है तो g के अंदर n1 की वैल्यू चली जाए, ठीक है। अब ऐसे ये 5 टाइम्स घूमेगा, बिकॉज वो रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। हम जैसे जैसे बड़े नंबर डालेंगे, हमेशा जब भी बड़ा नंबर आएगा वो g के अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, से और एक से और लगा देता हूँ, और यहां पर मैं यहां लिख देता हूं कि लार्जेस्ट नंबर इज, और उसके बाद जो से है नीचे, यहां पर मैं ग्रेटर को ड्रैग कर देता हूं। ओके, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है कुछ इस टाइप से बन गया। ये मैंने लूप आपको पहले ही समझा दिया, जब भी क्वेश्चन कर रहा है, जब भी बड़ा होगा वो एंटर हो जाएगा, एन वन जब भी बड़ा होगा वो जी के अंदर चला जाएगा इफ के अंदर, और ऐसे करके 5 टाइम्स या 10 टाइम्स जितने मर्जी बार घुमाओ, वो जब भी ग्रेटर नंबर होगा जी के अंदर जाएगा, और उसके बाद जब लूप से बाहर निकल जाएगा 5 टाइम्स घूम के, फिर नीचे प्रिंट हो जाएगा से द लार्जेस्ट नंबर इज, और 2 सेकंड्स के लिए रुकेगा मैसेज और जी को प्रिंट कर देगा। अब ये जो जी बच गया वेरिएबल, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ लेफ्ट बॉटम पे, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैं फ्लैग पे, यू नो वेरी वेल कि मेरे को फ्लैग के आइकन पे क्लिक करना होता है। तो ये आ गया एंटर 5 नंबर्स टू फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एंटर योर नंबर, तो मैं सबसे पहले डाल देता हूँ 2, मैंने 2 डाला और उसके बाद मैंने टिक कर दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया 7, मैंने फिर टिक कर दिया, अब मैंने डाला 9, ओके, और मैंने टिक कर दिया, अब मैंने डाला 45, मैंने फिर टिक कर दिया, उसके बाद मैंने डाला 7, मैंने फिर टिक कर दिया, अभी आ गया द लार्जेस्ट नंबर इज 45। आई होप आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया कि इसने जो भी एंटर्ड नंबर से, मैंने सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर था वो 45 डाला था, तो 45 आपके सामने प्रिंट हो गया। मैं एक बार दोबारा रन कर देता हूँ, अब मैं फटाफट से डाल देता हूँ, सपोज एक बार 4 डाल देते हैं, एक बार 7 डाल देते हैं, एक बार फिर छोटा नंबर डाल देते हैं 2, एक बार हम 12 डाल देते हैं, अब फिर एक बार छोटा डाल देते हैं 3, द लार्जेस्ट नंबर इज 12।
आई होप आपको क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया कि इस टाइप का प्रोग्राम कैसे बनाना है. ओके, सो मैं यहीं पर अपना प्रोग्राम बंद करता हूँ. टिल देन, बाय.